Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all of you. Hope that you all will be fine, my dear students, friends, colleagues, and dear teachers. So today we are talking about a topic that is in English education. जो हमारे फोर्थ सेम के बच्चे हैं उनको हम पढ़ा रहे हैं इंग्लिश एजुकेशन. बहुत सारा टाइम होगा हम कंटिन्यूअसली इस पेपर को पढ़ा रहे हैं. आज हमारा और एक यूनिट है, उसमें हम एक बहुत अच्छा जो क्वेश्चन है जो बहुत वाइब्रेंट है, इंपॉर्टेंट है, वो वाला क्वेश्चन हम आज इंपॉर्टेंट करेंगे, डिस्कस करेंगे. उसके रिकमेंडेशन, मेजर रिकमेंडेशन, ऐसे इसको रिकमेंडेशन आपके सामने रखेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से वो सारा क्लियर हो जाए, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में. तो उस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है वो है नेशनल पॉलिसी ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट. इससे पहले भी ये बहुत सारे कमीशनर्स या एक्ट आए उन बच्चों के लिए जो डिसेबल्ड है, जिनको कोई प्रॉब्लम है, चाहे इंपेयरमेंट है, चाहे हेयरिंग इंपेयरमेंट है, चाहे विजुअल इंपेयरमेंट है, या इसी तरह से ऑर्थोपेडिक है, या ऑटिज्म जो हमने डिस्कस किया है, बहुत सारे मेंटल रिटार्डेशन है, तो उसमें ये रिलेटेड बहुत सारे हमारे मुल्क में वक्त वक्त पर बहुत सारे एक्ट्स या कमीशन आ गए. उसमें जैसे 1995 में आया था, 2016 में आया था. अब एक पॉलिसी बनाई गई, नेशनल पॉलिसी इन बच्चों के लिए जो विडो डिसेबल्ड है, तो उसके जो मेजर रिकमेंडेशन है वो हम आज डिस्कस करेंगे आपके सामने डियर स्टूडेंट्स. तो उसमें जो मेजर रिकमेंडेशन थे, नंबर वन जो था मैक्सिमम रेस्ट्रेंट, ये पहला है. मैक्सिमम रेस्ट्रेंट मीन जो बच्चे हमारे सोसाइटी में डिसेबल्ड है, हैंडीकैप्ड है, ऑर्थोपेडिक है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, और बच्चों के लिए हमें कोशिश मैक्सिमम हमें कोशिश करनी है रेस्ट्रेन करना है, इस बीमारी को, इस डिजीज को स्टॉप करना है. समझा, उस लेवल पे जहां पर ये अब है इन बच्चों को, उस लेवल पे हमें कम से कम इसको स्टॉप करना है कि ये आगे उनको स्प्रेड ना हो जाए, नंबर वन. दूसरा पॉइंट है अपॉर्चुनिटीज, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज. जब हम बात करते हैं मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी की, उसका मतलब है कि इन बच्चों को जो डिसेबल है, जिनको कोई प्रॉब्लम है, हमें ऐसे माहौल या एनवायरमेंट प्रोवाइड करना है जहां से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगे. किसके लिए? इन ऑर्डर टू ग्रो देमसेल्फ, इन ऑर्डर टू ग्रो देयर पर्सनालिटी. तो जो उनका जो डेवलपमेंट है वो ग्रो हो जाए, चाहे वो एजुकेशनली हो या इकोनॉमिकली. तीसरा पॉइंट है एसेसिबिलिटी. तो इस चीज का भी हमें ख्याल रखना है, इन बच्चों के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा एवेन्यूज एंड इंसेंटिव्स, मींस वो चीजें रखनी है ताकि अच्छी तरह से इस एजुकेशन को हासिल कर सके. तीसरा है जो और एक पॉइंट है वो है प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज. तो जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है पहले पॉइंट में मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, वो इसमें भी आता है मैक्सिमम, उसको बोलते हैं मेजर्स फॉर प्रिवेंशन. तो हमें प्रिवेंशन मेजर्स अडॉप्ट करने हैं बच्चों की जो डिसेबिलिटी है. उसके बाद है, हाँ, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको बोलते हैं रिहैबिलिटेशन मेजर्स. अब जो नेशनल पॉलिसी अपर डिसेबिलिटीज एक्ट 2006 है, उसकी जो मेजर रिकमेंडेशन है वो है हमें बच्चों की रिहैबिलिटेशन के लिए काम करना है. किन के लिए? जो बच्चे डिसेबल्ड है. तो रिहैबिलिटेशन में तीन किस्म के रिहैबिलिटेशन आते हैं जो डिस्कस हुए हैं, नंबर वन फिजिकल रिहैबिलिटेशन, नंबर टू एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन, नंबर थर्ड इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन. तो फिजिकल रिहैबिलिटेशन में हमें उनको फिजिकली जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो प्रोवाइड करना है. जैसे कोई बच्चा डिसेबल्ड है उसको व्हील चेयर की जरूरत है, समझा, तो ये हो गया फिजिकल. क्या हो गया? तो एजुकेशन रिहैबिलिटेशन में हमें एजुकेशनली उसको मदद करना है, समझा, एकेडमिकली. तो उसके बाद इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन. इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन में मींस आपको उन बच्चों को जो डिसेबल्ड है उनको इकोनॉमी भी मनी के जरिए से मदद करना, हेल्प करना है, समझा. तो हो गए कितने टाइप्स ऑफ रिहैबिलिटेशन, थ्री, फिजिकल, एजुकेशन, इकोनॉमिक. अब हम करते हैं और कुछ मेजर रिकमेंडेशन जो इस कमीशन ने डिस्कस किए, पॉलिसी ने डिस्कस किए. नंबर वन, वुमेन डिसेबिलिटी क्या है? तो वुमेन डिसेबिलिटी में क्या होता है कि हमें जो बच्चे हमारे स्कूल्स या कॉलेजेस में जो वुमेन फॉर्म जो है डिसेबल्ड है, उनके लिए हमें मैक्सिमम ये स्पेशल प्रोग्राम्स है, स्पेशल टीचर्स है, स्पेशल मेथड्स है, स्पेशल प्रोग्राम उसको ऑर्गेनाइज करना है वुमेन फॉर के लिए, वो गर्ल जो डिसेबल्ड है. और एक पॉइंट है बेरियर फ्री एनवायरमेंट, बेरियर फ्री. और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें इन बच्चों के लिए बेरियर फ्री ऐसा माहौल तैयार करना है कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो. इस इशू ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है. इन बच्चों को हमें गवर्नमेंट के जरिए से, अदालत के जरिए से, अथॉरिटी के जरिए से सर्टिफिकेट्स इशू करने हैं जहां पर ये मेंशन हो कि ये बच्चा डिसेबल्ड है, इसको ये प्रॉब्लम है, इसको ये प्रॉब्लम है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसको फिर सोसाइटी में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के जरिए से फंड्स मिलते हैं. और एक सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी. और भी बहुत सारे हैं जैसे रिसर्च है, स्पोर्ट्स है, रिक्रिएशन है एंड कल्चरल लाइफ है. तो ये कुछ मेजर रिकमेंडेशन थे किसके, नेशनल पॉलिसी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2006. होप दैट यू वुड हैव एंजॉयड. थैंक यू वेरी मच.